हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं लियाकताबाद B1 एरिया के अंदर जीला के चने खाने के लिए, जो कराची के अंदर बहुत ही मशहूर होते जा रहे हैं। जैसे लाहौर में आप लोगों ने जीला के चने खाए होंगे, ये कराची के भूरे भाई के चने हैं। और यहाँ पे लोगों का रश देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से। और जाहिर सी बात है, मुनफरिद टेस्ट है, जिसकी वजह से ये देखें अभी देसी घी का डब्बा खुल रहा है और ये गया देसी घी का डब्बा। यहाँ पर देसी घी के डब्बे खुलते जाते हैं और डलते जाते हैं, माशाल्लाह से चने भी रिफिल हो रहे हैं, लाइव पराठे भी लग रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे जाहिर सी बात है, चने सर्व होते हैं तो गरम गरम पराठे भी सर्व होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उबैद अहमद खान। उबैद भाई, ये बताएं कौन से इलाके से है? नाजमाबाद नंबर 2। तो ये आगे चने कैसे लगे आपको? पहले लाहौर में खाए थे कोफ्ता जरे वाले का, फिर यहाँ खा रहा हूँ, यहाँ का ज्यादा टेस्ट बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? इस मुनफरिद जायके का राज क्या है? देखो मेरी बात सुनो, रोजी अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता। सही बात है। लाहौर की बात करें, लाहौर वाले लाहौर में बैठे हैं, हम कराची वाले। सही बात है। तो कराची में जितना चटपटे चीजें मांगते हैं, यहाँ पर वो अलग जायका है, लाहौर वालों का अलग जायका। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारी डेस्टिनेशन लियाकताबाद B1 एरिया नंबर 1 है। और यहाँ माशाल्लाह से महक हलवा पूरी पे हम लोग यहाँ आए, और यहाँ के चने बड़े मशहूर हैं, और यहाँ बहुत ही रश लगा हुआ है, पूरे कराची से लोग आए हुए चने खाने के लिए। क्या मुनफरिद जायका है, तो आपको दिखाते हैं, ब्लॉग का आगाज करते हैं, मेरे साथ रहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं माशाल्लाह कराची के जीला की तरफ, और यहाँ जबरदस्त किस्म का माहौल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं भाई, यहाँ चने चल रहे हैं, यहाँ पार्सल हो रहा है भाई, यहाँ देख सकते हैं आप माशाल्लाह से लोगों का रश चेक करें आप भाई, रात का 2 बज रहा है और रश चेक करें आप। यहाँ देखिए भाई, जबरदस्त से पराठे लग रहे हैं, पराठे की भी जो है ना वसी रेंज है यहाँ पे, माशाल्लाह से गरम गरम पराठे लग रहे हैं। देखिए भैया, देसी घी का डब्बा खुल रहा है, ये देखिए भाई देसी घी चल रहा है और चने चल रहा है, रिफिलिंग चल रही है। देखिए भाई, पूरे कराची से लोग आ रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से कराची के जिले के चने खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? सर माशाल्लाह से हम यहाँ पे बड़ी दूर से आपकी वीडियो देख के आए हैं, और अपने फैंस को बताने आए हैं कि भाई लाहौर छोड़ दें, आप कराची के अंदर ही बेहतरीन चने मिल रहे हैं, तो इस मुनफरिद जायके का राज क्या है? देखो मेरी बात सुनो, रोजी अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता। सही बात है। लाहौर की बात करें, लाहौर वाले लाहौर में बैठे हैं, हम कराची वाले। सही बात है। तो कराची में जितना चटपटी चीजें मांगते हैं, यहाँ पर वो अलग जायका है, लाहौर वालों का अलग जायका है। उनके मसाले कम होते हैं, हमारे मसाले कम, हमारे हार्ड मसाले होते हैं, हमारे और चटपटे में होते हैं, हम देखो हरी मिर्ची नहीं डालते तो यकीन करो हमारा अधूरी है। सही बात है। हरी थरी नहीं डालते तो हमारे डिश अधूरी है। इस वक्त चटपटा बन गया मसाला, मैं इसको खुद पिसा के लगाता हूँ, 20 साल से चने लगा रहा हूँ, मैंने कभी अपनी वीडियो वायरल नहीं करी। अच्छा। हम उसी से काम कर रहे थे, अल्लाह पाक का करा, मैं शुक्र है, माला बच्चे जवान है माशाल्लाह भाई, उन्होंने बोला पापा वीडियो वायरल करते हैं, मैंने बोला ठीक है जी करो जी, वीडियो वायरल करिए, डबल तो ट्रिपल चुपल हो गया माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये है कि कराची के लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, कोई और कराची से आ रहा है, कोई नाजाबाद से आ रहा है, दूर दूर से आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनको अपने इलाके में नहीं मिल रहा है। एक बंदा कह रहा है मैं लियारी से आया हूँ, और लियारी के तो पता नहीं कौन कौन से चने मशहूर है, मगर आपके अल्लाहबाद में आप देवी थी देसी घी के साथ चिकन के साथ है। अच्छा, चिकन 8 किलो चिकन है आज। अच्छा, और 6 रुपए घी के डाले हैं आज इसके अंदर, और अल्लाह हरी मिर्चे, ये तो अलग आपके मुनफरिद जायके मसालों के, मसाले मैं अलग पिसवा के लाता, खुद ही लाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ कारखाने के अंदर, चक्की से खुद पिसवा के लाता हूँ। चले हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद आपको काम में तरक्की हो, अभी ट्राई भी करते हो, आप ट्राई करें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जुबैर भाई, कौन से इलाके से हैं? लियारी से हैं माशाल्लाह से, तो लियारी में अच्छे चने नहीं मिलते? मिलते हैं, पर उसका फ्लेवर फर्स्ट टाइम ट्राई किया, कैसे लगे चने आगे? अच्छा, क्योंकि देसी घी के अंदर बना रहे हैं तो कोई अच्छी चीज ही होगी, तो लोग क्या रखेंगे, कहना चाहिए। चले बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उबैद अहमद खान। उबैद भाई, ये बताएं कौन से इलाके से हैं? नाजमाबाद नंबर 2। तो नाजमाबाद से यहाँ पे आए माशाल्लाह से, तो ये आगे चने कैसे लगे आपको? पहले लाहौर में खाए थे कोफ्ता जरे वाले का, फिर यहाँ खा रहा हूँ, यहाँ का ज्यादा टेस्ट बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, 1000 रुपए खर्च करके वहाँ जाए, कराची में मिल गया माशाल्लाह, नो डाउट।
तो कैसा टेस्ट है यहाँ का? टेस्ट भूरे भाई का टेस्ट बेहतरीन है माशाल्लाह। अच्छा, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ खाने के लिए। आपके सामने मेरे को ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रश देखेंगे। सही बात है। तो ये नहीं कि हमारे फैंस को क्या रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड ये करूंगा सस्ते में जान बनाए। अच्छा, सस्ते में जान बनाए। 50 रुपए की? 50 रुपए नहीं, 100 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, क्योंकि जितने पैसे डाले मिलते जाएंगे। नहीं, अगर आप 4-5 बंदे मिले 50 रुपए प्लेट, 50 रुपए प्लेट, 200 में भी आज हमने भी 100 रुपए की प्लेट में 3 बंदे खा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, चले बहुत शुक्रिया। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे लियाकताबाद के चने आ गए और देख सकते हैं आप इसके अंदर क्रीम डली हुई है और चिलीज हैं और गरम गरम पराठे हैं। आज मोइन भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। अस्सलाम भाई। मोइन भाई, ये बताएं, आज आप लियाकताबाद के चने खाने आए, कैसा मुनफरिद जायका लग रहा है यहाँ पे? क्या लोग जमा है यहाँ पे? काफी सारे लोग बहुत सारे जायका है, तो लोग हैं। अच्छा, जायके की वजह से लोग हैं। जरा ट्राई करें, जरा हमारे फ्रेंड्स को बताएं भाई। देखिए भाई, यहाँ पे पूरे भाई के चने। हाँ भाई, कैसा टेस्ट है? टेस्टी है। चले हम भी ट्राई करते हैं, बताते हैं अपने फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, अभी हम ट्राई भी करते हैं इनका मुनफरिद जायका। जाहिर सी बात है, इतनी तारीफें सुनी है सबने, तो अभी दिखाते हैं आपको भाई यहाँ की जो क्रीम। और देखें आप भाई, जबरदस्त हमारे फ्रेंड है खालिद भाई, उन्होंने रिकमेंड किया था ये लियाकताबाद के जो है B1 एरिया के जो है भूरे भाई के चने जो है और बड़े मशहूर है। आप जाके जायका ट्राई करें, वहाँ का बहुत मुनफरिद जायका है। और उन्हें यहाँ के बहुत अच्छा इसलिए लगा कि कुछ लोग बिहारी से हैं, कुछ नाजाबाद से हैं, बड़े दूर दूर से लोग खाने के लिए आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से। और जाहिर सी बात है, कम पैसों के अंदर और अच्छी चीज़ मिलना कराची के अंदर बड़ी अच्छी बात है। रमजान के अंदर लोग वैसे भी लोगों की खिदमत करें, 50 रुपये 100 रुपये के अंदर छोले मिल रहे हैं, पराठा मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन जायका है माशाल्लाह से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल साझे बसंत चैनल सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, हमारा फेसबुक पेज भी है साझे बसंत ब्लॉग के नाम से, उसको भी फॉलो करें। इस ब्लॉग से देखो इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा, ढेर सारा अल्लाह हाफिज़।